हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी वन ऐप में कैसे आप बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे और उसमें फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आप पीएनबी का अकाउंट होल्डर है और आप पीएनबी वन ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीएनबी वन ऐप के मदद से आप कैसे किसी भी बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीएनबी वन ऐप में बेनिफिशियरी के रूप में उस अकाउंट होल्डर को ऐड करना होगा। हो सकता है वो पीएनबी का अकाउंट हो या दूसरा किसी भी बैंक का अकाउंट हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट को पीएनबी वन ऐप के मदद से बेनिफिशियरी के रूप में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो पीएनबी वन ऐप है उसमें लॉगिन कर लेना है। अगर पीएनबी ऐप में अभी तक आप रजिस्टर नहीं किए तो कैसे रजिस्टर किया जाता है उसका वीडियो लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अभी जाकर उसमें रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड के मदद से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप आपका आधार कार्ड के मदद से आप पीएनबी वन ऐप में बहुत आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो वीडियो एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए, लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि कैसे थर्ड पार्टी को ऐड किया जाता है, यानी बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पीएनबी वन ऐप में लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद नीचे की तरफ आपको देखना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि माय पे। अगर आपको किसी का बैंक अकाउंट ऐड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे माय पे में क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एक पेज आपके सामने आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, पहला है वॉल और उसके बाद है विद इन बैंक, यानी कि अगर पीएनबी का ही अकाउंट है तो आप विद इन बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पीएनबी का अकाउंट नहीं है तो आप इसमें अदर बैंक है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखना है, आपको एक प्लस का सिंबल दिखेगा, एक ह्यूमन बींग का सिंबल है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है। उसके बाद इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है विद इन, दूसरा है अदर्स। यानी अगर पीएनबी का ही अकाउंट है तो विद इन को सिलेक्ट कर देना है, अगर अदर्स बैंक का अकाउंट है तो अदर्स में यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे कि, तो फिर सबसे पहले एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नीक नेम डाल देना है, अगर किसी का नेम है राजेश पांडे तो उसका नीक नेम आप राजेश लिख सकते हैं या आर पांडे लिख सकते हैं, आपके मर्जी के हिसाब से। उसके बाद इसमें आपको फुल नेम लिख देना है और फिर इसमें अकाउंट नंबर डालना है, जैसे जो भी आपको अकाउंट ऐड करना है उसमें यहाँ पे डालना है। और फिर यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, दोबारा उसी अकाउंट नंबर को डाल देना है। और उसके बाद नीचे आपको आईएफएससी कोड देखने को मिलता है, आईएफएससी कोड उस बैंक का यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर चाहे तो इसमें से आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलता है जिसको आप फंड ट्रांसफर करेंगे, उसका एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लिमिट अमाउंट है, लिमिट अमाउंट का मतलब ये है कि आप एक बार में उसमें कितना अमाउंट फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर इसमें 1 लाख देंगे तो एक ही ट्रांजैक्शन में 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर 10 लाख करेंगे तो 10 लाख ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 1 लाख कर सकते हैं या 2 लाख 3 लाख आपके मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डालना है, 2, 3, 5 डे आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें भी आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर दूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो ऐड ऑप्शन देखने को मिलता है उस ऐड ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा सेम पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको दोबारा चेक कर लेना है कि सारा जो भी डिटेल्स आप डाले हैं वो सही है। यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन देखने को मिलता है तो सिंपली इसमें ऐड में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पिन डाल देना है, जो पिन आप पहले बना चुके थे जब रजिस्ट्रेशन किए थे, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसे पहले फॉरगेट कर लीजिए। तो इसमें मैं मेरा जो पिन है उस पिन को डाल दूंगा और डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म बटन आपको देखने को मिलता है, उस कंफर्म बटन में क्लिक कर देना है। और कंफर्म बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे अभी आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मेरे पास OTP आ चुका है, OTP मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, आप देख सकते हैं OTP आ चुका है, 6 डिजिट का OTP। OTP एंटर कर दिया, फिर नीचे आपको कंफर्म बटन देखने को मिलता है, सिंपली उस कंफर्म बटन में क्लिक कर देना है। और जैसे ही कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो बेनिफिशियरी है उसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया गया है। इसमें 2 आवर्स का कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे दोबारा चेक करने के लिए आपको माई पे में क्लिक कर देना है और माई पे में क्लिक करने के बाद आपको जो भी अकाउंट ऐड किए है वो दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।